है ना, उसी में 15-20 गो ड्राम है। किसका ड्राम? पेट्रोल डीजल का। अब कहाँ है पेट्रोल डीजल है कि कहाँ है, ये तो हमको मालूम नहीं है। बहुत सा दुकान है, अभी कौन कौन सा माल रखे हैं, कैसे आग लगा, ये तो यहाँ के लोग जानते हैं। पेट्रोल डीजल से लगा कि कौन कारण से लगा, और पता चलेगा, ये लोग बताएंगे, कुछ लोग होंगे, सब लोग तो घायल है, अभी होश होश होगा, ठीक लोग होंगे तो बताएंगे। ना ना, उसमें बहुत सारा ड्राम है जो नाप नाप के दिया जाता है, वो सब है उसमें। अच्छा, वो दो जी थाना के सामने बताइए, इस तरह से बिक रहा है, ये लीगल है कि इलीगल है, ये तो खैर जांच का विषय है। वो तो भाई आपका जनाब, पेट्रोल डीजल अगर कोई बेचता है तो हो सकता है कि लोकल लोग मिल जाता है लाइसेंस बचने के लिए, तो करा है क्या, वो जांच के विषय वो हम लोग कहा जानते हैं। जो भी हम सवाल पूछ रहे थे वो फाइनली आप लोगों को तय करना है कि इनके जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट हमारा जो काम है हम लोग कर रहे हैं, मामला जो कुछ भी हो जांच का विषय है, लेकिन वाकई अगर किसी की जाने जाती है या इतने सारे लोग जले हुए हैं और थाना के ठीक सामने पेट्रोल डीजल इतने भारी मात्रा में तकरीबन 15 ड्राम अगर पाया जाता है, तो ये इसके पीछे जिम्मेदार। बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव जी घटनास्थल पे आए हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं जी। बोलिए, क्या कहेंगे, ये जो घटना घटी है अगलगी पर? हाँ, अगलगी पर बहुत दुख प्रकट करते हैं जी, कि काल बहुत बढ़िया दिन था, सब लोग अपना उत्सव मना रहे थे, दिवाली का दिन था, अचानक आग लग गई, सारा संपत्ति जल गया, बहुत दुकानदार लोग हैं इसमें, सब लोग बर्बाद हो गए, बहुत दुख की बात है, ये दुख प्रकट करते हैं जी। और हम प्रशासन के लोगों से बताएंगे कि ये दुख के घड़ी में सब लोगों को इन लोगों के मदद करना चाहिए। फायर वाले जो बुझाने वाले हैं वो भी बेचारे जले हैं, और एक पुलिस वाले भी, पत्रकार भी। अच्छा अच्छा, फायर ब्रिगेड वाला भी जरा है जी, बुताने के क्रम में, बुताने के क्रम में। हाँ, तो ये तो बहुत भयानक लगे। जो लोग हैं जो एक्टिव थे, बुझा रहे थे। अच्छा 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 जी, सब लोग घायल हुए हैं? सब लोग घायल हुए हैं जी। हाँ, तो बहुत बड़का माने कांड हुआ है। वो जो कोना वाला है ना, उसी में 15-20 गो ड्राम है। किसका ड्राम? पेट्रोल डीजल का। अब कहाँ है पेट्रोल डीजल है कि कहाँ है, ये तो हमको मालूम नहीं है। बहुत सा दुकान है, अभी कौन कौन सा माल रखे हैं, कैसे आग लगा, ये तो यहाँ के लोग जानते हैं। पेट्रोल डीजल से लगा कि कौन कारण से लगा, और पता चलेगा, ये लोग बताएंगे, कुछ लोग होंगे, सब लोग तो घायल है, अभी होश होश होगा, ठीक लोग होंगे तो बताएंगे। ना ना, उसमें बहुत सारा ड्राम है जो नाप नाप के दिया जाता है, वो सब है उसमें। अच्छा, वो दो जी थाना के सामने बताइए, इस तरह से बिक रहा है, ये लीगल है कि इलीगल है, ये तो खैर जांच का विषय है। वो तो भाई आपका जनाब, पेट्रोल डीजल अगर कोई बेचता है तो हो सकता है कि लोकल लोग मिल जाता है लाइसेंस बचने के लिए, तो करा है क्या, वो जाँच का विषय वो हम लोग कहा जानते हैं। देख रहे हैं कि आग लगा है, बहुत सा दुकान जरा है, क्षति हुआ है, लोग भी जले हैं, बहुत लोग घायल हुए हैं। आपका क्या सहयोग रहेगा, आर्थिक मदद कुछ आपके क्षेत्र का मामला है? हमारा जितना जहाँ तक ले सहयोग रहेगा, अभी तो हम अचानक जा रहे थे पटना, तो फोन आया, मीटिंग है आज वहाँ विधानसभा, ना विधानसभा चलता है नहीं, दो दिन के बाद मीटिंग होता है, शनिचर इतवार पर गया, और दिवाली में सब लोग चल गए, तो हम जा रहे हैं मीटिंग करेंगे, हो सकता है कल लौट है, जहाँ तक ले सक्षम रहेगा सब लोग सहयोग करना पड़ेगा, कैसे जो लोग का बड़ी क्षति हुआ है, वहाँ हम बताएंगे, मंत्री लोग का भी बताएंगे। कितने लोग रेफर भी हो गए हैं पटना? बहुत सारे लोग रेफर, पटना रेफर हुए हैं, वहाँ तो हम जाकर मिल लेंगे उन लोगों से, भाई पता लगा है कुछ लोग गोरखपुर भी गए हैं, गोरखपुर भी गए हैं, सीवान में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुछ लोग भर्ती हैं, बहुत लोग घायल हैं।
सब लोगों को हम अच्छा होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो जल्द से निरोग होकर लोग आ जाओ अपने आप। परिवार वाले के साथ है ना? हाँ, परिवार वाले के साथ सब लोग हैं जी। ठीक है, चलिए। तो RJD विधायक हरिशंकर यादव घटनास्थल का जायजा ले रहे थे, लेकिन जो भी हम सवाल पूछ रहे थे वो फाइनली आप लोगों को तय करना है कि इनके जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट हमारा जो काम है हम लोग कर रहे हैं, मामला जो कुछ भी हो जांच का विषय है। लेकिन वाकई अगर किसी की जाने जाती है या इतने सारे लोग जले हुए हैं और थाना के ठीक सामने पेट्रोल डीजल इतने भारी मात्रा में तकरीबन 15 ड्राम अगर पाया जाता है तो ये इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये पूरा मामला जांच का विषय है। लेकिन एक एक अपडेट हम लोग इस पर बनाए हुए हैं, आगे जो कुछ भी होगा वो तमाम चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहें, देखें।